हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकर में। जैसा कि 1 जनवरी में IBPS RRB का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो IBPS RRB की रिजर्व लिस्ट में हैं। और तभी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, मैं RRB PO की रिजर्व लिस्ट में हूँ, मैं RRB क्लर्क की रिजर्व लिस्ट में हूँ, तो सर क्या चांस है हमारे सिलेक्शन के, और ये IBPS RRB की रिजर्व लिस्ट कब तक आउट होगी। अगर IBPS RRB की रिजर्व लिस्ट की बात करें तो लास्ट ईयर 4 रिजर्व लिस्ट आपकी आउट हुई थी, इस बार भी RRB की 4 रिजर्व लिस्ट आउट होंगी। मतलब कि कुछ कुछ स्टेट्स आपको हर रिजर्व लिस्ट में देखने को मिलेंगे। पहली रिजर्व लिस्ट मार्च के एंड में, दूसरी जून के एंड में, तीसरी सितंबर लास्ट में, चौथी 31 दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिजर्व लिस्ट में हैं। देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि रिजर्व लिस्ट के पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसा कि IBPS PO, IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम आपके सामने हैं, उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके स्टेट की जो रिजर्व लिस्ट है वो किस नंबर के रिजर्व लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए अभी आप एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने नंबर से रिजर्व लिस्ट में हैं IBPS RRB में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।